हुज़ूर, सवाल यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी आलमी जंग के बारे में क्या पेशगोई फरमाई थी? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त तीसरी जंग की कोई पेशगोई नहीं की, लेकिन कुरान करीम ने आलमगीर जंगों की, खासतौर पर जो एटॉमिक जंग है, उसकी पेशगोई की है। और सूरह ताहा में भी ये पेशगोई है और एक और सूरत में भी, बहरुल्लकुल मजदन, उसमें भी ये पेशगोई है। इसका मतलब है कि तीसरी आलमी जंग बहरहाल होकर रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता।